सिंगार नाटक खुले मन के भाटक चलाया नहीं है। चलाना। अरे बैठ मेरे यहाँ पर।
नमस्कार पूजा जी, नमस्कार। नमस्कार पूजा जी, आप यहाँ कैसे? हेलो संजू बबलू, तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हो? मैं तो यहाँ पे गोलगप्पे खाने आई थी। हम कांजी पीने आए हैं। मेरा मतलब हम आपसे मिलने आए हैं। अच्छा अच्छा, कुछ जानकारी भी चाहिए थी इसलिए कुछ सवाल साथ लेकर आए हैं। अरे वाह, जानकारी पूछो पूछो, आप दोनों को हर एक सवाल का जवाब मिलेगा यहाँ पे। आपने इतने थोड़े समय में कैसे अपना कारोबार जमाया? आपको आपकी सफलता से है, किसने मनवाया? आपकी तरह हम भी आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने हुनर पर मेहनत कर आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। देखो ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि तुम दोनों भी आत्मनिर्भर बनना चाहते हो। अगर तुम दोनों मेहनत करने के लिए तैयार हो तो सफलता की उड़ान भरने का यही समय है। बात तो आप सही कह रहे हो, पर अपने सपनों को कैसे साकार करें? आप भी कुछ सेध दें, आपकी तरह हम भी कैसे 50 और लोगों को रोजगार दें? देखो संजू बबलू और आप सभी लोग भी, सबसे पहले तो ये बात जान लो कि ये सिर्फ 50 लोगों का ही नहीं बल्कि कच्चा माल खरीदने वाले से घर पहुंचाने वाले, रेडी वाले, ट्रकों वाले, सबको मिला के कम से कम 150 लोगों को रोजगार मिलता है। 150 लोगों को? अब तो आप बस इतना बताओ कि हमने करना क्या है। अरे तुम दोनों भी ने भी वही करना है जो मैंने किया। अरे हम नहीं बनेगा लड़की हाँ। अरे बुढ़बक, उनका मतलब उन जैसे कारोबारी। अरे सुनो भाई, तुम दोनों ने भी वही करना है जो मैंने किया, मतलब कि भारत सरकार की MSME स्कीम के तहत PMEGP स्कीम की मदद लेनी है। आप भी अपना रोजगार शुरू करो, खुद भी आत्मनिर्भर बनो और दूसरों को भी आत्मनिर्भर बनाओ। बाबा अब ये भी बता दो कि ये सब होगा कैसे? बहुत आसान है, ये सब होगा भारत सरकार के MSME मतलब कि सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय के सहयोग के साथ। मतलब? देखो भारत सरकार की ये स्कीम हर स्टेट में नौजवान उद्यमियों को, यानी कि हम जैसे उद्यमियों को उत्साहित करने के लिए खोली गई है। इसके तहत बहुत सारी योजनाएं भी चलाई जा रही हैं। कैसी योजनाएं? जरा हमें और यहाँ बैठे लोगों को विस्तार से बताओ। उन श्रेणियों को अलग अलग, उन योजनाओं को जैसे कि अलग अलग श्रेणियों में बांट सकते हैं, ऐसे ही MSME की स्कीमों को भी अलग अलग श्रेणियों में बांटा गया है। कैसी श्रेणियां? मैं बताती हूँ। आप कौन? अरे ये मेरी सहेली टीना है, इसने भी, सारे ध्यान से सुनो, इसने भी MSME की मदद लेके अपना कारोबार शुरू किया है। अच्छा हाँ। इतने छोटे छोटे भी कर सकते हैं? अच्छा चींटियां पहाड़ पर चढ़ने लगी। हाँ, अब चींटी तुरे को बताएगी इस श्रेणियों के बारे में। पहली श्रेणी है वित्त सहूलत। वित्त सहूलत, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है प्रधानमंत्री रोजगार उत्पत्ति प्रोग्राम, जिसके जरिए नए उद्यमी जो होते हैं हमारे जैसे, उनको कर्जों पर सब्सिडी दी जाती है। और इसके लिए एक निधि ट्रस्ट का गठन भी किया गया है जिसके द्वारा कमजोर और पिछड़े लोगों को वित्त सहायता दी जाती है। अभी दूसरी श्रेणी मैं बता देता हूँ भाई। अब आप कौन? अरे मैं बताती हूँ ये कौन है। ये है पम्मा। MSME से पहले ये होता था निकम्मा, पर जब से आ गया MSME ये हो गया कम्मा। अब इसे सारे क्या बोलते हैं? कम्मा। कौशल विकास कार्यक्रम। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य मौजूदा MSME और नए उद्यमियों की समृद्धता बढ़ाना है और हुनर विकास सिखलाई संस्थाओं का ढांचागत विकास करना है भाई। अरे तीसरी श्रेणी हम बतलाते हैं भैया। आप कौन हैं? अरे इसके बारे में भी मैं ही बता देती हूँ। ये है मोहित। ये भी बड़ा निकम्मा था वैसे, लेकिन जब से MSME आ गया है इसने भी खुद का कारोबार शुरू किया है PMEGP स्कीम की मदद लेके। अरे प्रौद्योगिकी की समृद्धता, नए और पुराने दोनों उद्यमियों के लिए सहायता बहुत अहम है। इसमें उत्पादन की गुणवत्ता और मात्रा दोनों ही बढ़ जाती है। ये सहायता स्फायर स्फूर्ति MSE CDP जैसी योजनाओं के माध्यम से दी जाती है। क्या बात है,
और चौथी श्रेणी मैं बता देती हूँ, चौथी श्रेणी है मार्केटिंग और लिंकेज। जैसे कि हम अपना कारोबार शुरू करते हैं तो हमारा बड़ा मन करता है कि विदेशों में जो मीटिंगें, जो वर्कशॉपें लगती हैं, हम भी उसका हिस्सा बने, लेकिन हमारे पास पैसा नहीं होता। लेकिन अब MSME की मदद से आप भी उन विदेशों में होने वाली मीटिंगें, वर्कशॉपों का हिस्सा बन सकते हैं। MSME का सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि वो लोकल बाजारों को बहुत विकसित करे। हाँ जी, और इसमें एक नेशनल SC ST हब स्कीम भी है। उसका मुख्य उद्देश्य है नेशनल SC ST हब स्कीम में उद्यमता को बढ़ाना और कमजोर पिछड़े लोगों को पैसों की सहायता दी जाती है। और पांचवी श्रेणी है चैंपियन स्कीम। ये स्कीम MSME को चैंपियन बनने के लिए जेड प्रमाणी के लिए प्रोत्साहित करती है और MSME का चैंपियन बनने के लिए भी प्रेरित करती है। भाई, MSME मंत्रालय के दरवाजे हर उद्यमी के लिए खुले हैं। अपने उद्यम को रजिस्टर करके आप भी MSME मंत्रालय की योजनाओं के लाभार्थी बन सकते हैं। अगर इसके बारे में और जानकारी लेनी हो तो हमें कहां संपर्क करना चाहिए? अरे भाई, मैं बताती हूँ। इसके बारे में और जानकारी लेने के लिए www.msme.in पर जाए और अधिक जानकारी ले। इसके अलावा KVIC, NSIC, आप इसके क्षेत्रीय मंत्रालय के दफ्तरों में जाकर भी जानकारी ले सकते हैं। अब हम भी अपने सपने पूरे करेंगे, जो हम आज तक नहीं कर सके वो अब करेंगे। अब पीछे मुड़ के नहीं देखना है, अब बस आगे ही बढ़ना है। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय की योजनाओं का लाभ उठाना है और खुद भी आगे बढ़ना है, औरों को भी बढ़ाना है। खुद भी आत्मनिर्भर बनना है और भारत को भी बनाना है। है भारत का नया युवा, नई उड़ान बढ़ रहा है, अपने हुनर को पहचान के वह आत्मनिर्भर बन रहा है। भाई, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय के सहयोग से व्यवसायी बन रहे हैं, अपने सपनों को सच कर देश के विकास में भागीदार बन रहे हैं। गांव-गांव, शहर-शहर नए बिजनेस खुल रहे हैं। MSME मंत्रालय के सहयोग से लोग अपनी जिंदगी बदल रहे हैं। भाई, कौशल को पहचानना हो, यहाँ नई तकनीक लगाना, आपके बनाए उत्पाद को यहाँ खरीदार तक पहुँचाना, वित्तीय सहायता हो या अंतर्राष्ट्रीय संयोग, MSME मंत्रालय के किसी भी दफ्तर में जाए, KSIC या KVIC बो, हाँ, जहाँ हो कवर बोर्ड। देखो भाई, आप सभी ने ये बातें तो सुन ली, अब सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो भी सुन लो। इसके बारे में अगर आपको समझ नहीं लगी तो आप और जानकारी लेने के लिए www.msme.in पर जाएं और अधिक जानकारी ले। इसके अलावा KVIC, NSIC ऐसे क्षेत्रीय मंत्रालय भी खोले गए हैं, आप वहां पर जाकर भी जानकारी ले सकते हैं। MSME की अलग अलग योजनाओं का लाभ ले सकते हो, जैसे कि PMEGP मतलब प्रधानमंत्री रोजगार उत्पत्ति प्रोग्राम, CGTMSE जिसके तहत आप नई और मौजूदा इकाइयों अपग्रेडेशन के लिए बैंक द्वारा पूंजी सहायता ले सकते हो, और भी जानकारी के लिए www.msme.gov.in पर लॉगिन करो।